दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बिहारी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और उसके लिए यहां पर 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है। 500 ग्राम स्लाइस कटे हुए मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर हम लोग डाल देंगे 1 टेबल स्पून, स्वादानुसार नमक डालेंगे और कुछ आलू के टुकड़े ले लिए हैं और 1 कड़छुल भर के कच्चा सरसों का तेल डाल दूंगी। आलूओं को अलग हटा देंगे और सभी मसाले, तेल और चिकन को अच्छी तरीके से मसल के कुछ देर तक 5-7 मिनट तक मसल के हम लोग इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, इसे अलग रख देंगे। एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर मैंने, उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, कुछ खरे गरम मसाले, तेज पत्ते और यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब जो मैरिनेट करके रखे थे चिकन, वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। सारे मसाले, चिकन सबको हम लोग एक साथ डाल देंगे और फ्लेम को रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम में हम लोग इसे कुछ देर तक भूनेंगे। एक बार भी ढकना नहीं है चिकन को। मिर्ची को अलग रख दिया है मैंने गार्निश के लिए। अब चिकन यहाँ पे जब तक भुनाई हो रहा है, हम लोग दूसरी तरफ तैयारी करते हैं आलू की। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने चढ़ा दिया है सरसों का तेल गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है और उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 आलू जिन्हें मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे 3 आलू मैंने यूज़ किए हैं। तीनों आलू को हम लोग अच्छी तरीके से लाल होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। आलू उधर फ्राई हो रहा है, इधर चिकन को भी हम लोग मीडियम फ्लेम में भून रहे हैं, माने कि हाई फ्लेम में पहले मैंने भूना था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कंटिन्यूस भूनते रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो चुका है। यहाँ पर कढ़ाई के पैन में थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ही पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम लोग कौसा मांस बना रहे हैं बिहार का, तो इसलिए 2 टेबल स्पून ही पानी डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और फिर से हम लोग भूनेंगे। इस रेसिपी का यही खासियत है कि इसमें सिर्फ भूनना ही काम होता है, कि इसे बहुत देर तक भूनना पड़ता है। ये रेसिपी बनाने में टोटल आपको 30 मिनट का समय लग जाता है। मसाले जो है तेल छोड़ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। अब ये आलू जो हमने फ्राई करके रखे हैं, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। आलूओं को पहले नहीं डालेंगे। देखिए, चिकन हमारा कुक हो चुका है, उसके बाद ही हमने आलूओं को डाला है। यदि आप पहले डाल देते हैं तो आलू ऐसी हो जाएगा और फिर चिकन का भी टेस्ट बिगड़ जाएगा और पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो चिकन के कुक होने के बाद ही आलू डालें। आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून हमने फिर से पानी डाला है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से दोनों एक साथ हो जाए, मतलब चिकन और आलू एक साथ मिल जाए। अब इसे अच्छी तरीके से फिर से भूनेंगे। तेल पूरी तरह से छोड़ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से चिकन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।